उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इस समय सिर्फ एक ही नाम है, विकास दुबे, विकास दुबे और विकास दुबे। विकास दुबे की तलाश में पुलिस न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई कोनों में उसकी तलाश कर रही है। आखिर विकास दुबे कहां गया, ये किसी को पता नहीं। फरीदाबाद में उसकी एक धुंधली सी तस्वीर मिली, उसके कुछ साथी गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर भी विकास दुबे अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। विकास दुबे एक ऐसा नाम जो इस समय मोस्ट वांटेड है, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ रही, लेकिन विकास दुबे गायब है। दरअसल नेताओं और पुलिसकर्मियों की सरपरस्ती ने विकास दुबे को इतना बड़ा अपराधी बना दिया। हम आपको विकास दुबे की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। कानपुर में गुरुवार देर रात दबिश देने गई पुलिस टीम के 8 जवानों को मौत की नींद सुलाने वाले विकास दुबे का अपराध करने का सिलसिला वर्ष 2090 से शुरू हुआ था। बकरू गांव निवासी किसान के बेटे विकास ने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए नवादा गांव के किसानों को वर्ष 1990 में पीटा था। विकास दुबे के खिलाफ शिवली थाने में पहला मामला दर्ज हुआ था। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में पिछड़ों की हनक को कम करने के लिए विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलता गया। उस वक्त पूर्व विधायक नेक चंद्र पांडे ने विकास को संरक्षण दिया था। विकास क्षेत्र में दबंगई के साथ मारपीट करता रहा। थाने पहुंचते ही नेताओं के फोन आने शुरू हो जाते थे। कुछ दिनों बाद तो पुलिस ने भी विकास पर नजरें टेढ़ी करनी छोड़ दी थी। वर्ष 2000 में विकास ने इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे को गोली मारकर अपना पहला मर्डर किया था। वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को शिवली थाने के भीतर गोली मारकर मौत के घाट उतारकर विकास ने अपने क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाई। बिकरू और शिवली के आसपास क्षेत्र में विकास की दहशत कुछ इस तरह थी कि उसके एक इशारे पर चुनाव में वोट गिरना शुरू हो जाते थे। चुनावी रंजिश में ही विकास की दुश्मनी लल्लन वाजपेयी से हुई। शिवली थाने की जमीनों और बाजार की वसूली में अपना कदम रखने के बाद विकास की क्षेत्र में हनक बढ़ती गई। राजनीतिक संरक्षण और दबंगई के बल पर विकास जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया और आसपास के 3 गांवों में उसके परिवार की ही प्रधानी कायम हो गई। विकास के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूट और फिरौती समेत कई संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हुए। विकास के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वर्ष 2017 में विकास को UPSTF ने गिरफ्तार किया था। 19 वर्ष पूर्व भाजपा की ही सरकार में सत्ताधारी दल के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुसकर मौत के घाट उतारने वाला अपराधी यदि अभी भी छुट्टा घूम रहा था तो यह समझने के लिए काफी है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के यह संभव नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, विकास दुबे की बादशाहत हमेशा कायम है। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद इसी राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर विकास दुबे ने जमीन की सौदेबाजी को अपना मुख्य कारोबार बनाया। बेशकीमती जमीनों के मालिकों को धमकाकर कम कीमत में खरीद लेना विकास का सगल था। राजनीतिक संरक्षण देने वालों ने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया। आखिरकार विकास अपने और अपने आकाओं के लिए कुख्यात भूमाफिया बन बैठा। बताते हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया तक में विकास की बादशाहत कायम थी। इन जिलों में कहीं भी कोई भी कीमती जमीन दिखती तो उसकी सौदेबाजी विकास दुबे और गुर्गे के जरिए ही होती थी। आसपास के कई जिलों के सफेद पोस्ट प्रॉपर्टी डीलर तक उससे अपना काम निकलवाते थे। महंगी जमीनों को सस्ते में खरीद कर विकास अपना मोटा कमीशन लेता था। उसकी कमाई का यही असली जरिया था। बताते हैं विकास दुबे की कानपुर, लखनऊ, आगरा समेत प्रदेश के कई शहरों में कीमती जमीनें और मकान हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। पत्नी और एक बेटा लखनऊ के ही एक मकान में रहते हैं। अपराध और राजनीति में दखल रखने की वजह से विकास के साथ लुका छिपी का खेल चल रहा था। जब वह सत्ता पक्ष के नेता के करीब होता तो खुलेआम अपनी हनक दिखाता। जब उसे किसी नेता का साथ नहीं मिलता तो वो छिप कर रहता। बीते 20 वर्षों से विकास इसी तरह की जिंदगी जी रहा है। इन वर्षों में कई मामलों में वो जेल भी गया और जमानत पर छूटता भी गया। पुलिस से बचने के लिए वो पैसा तो फेंकता ही था, अपने मकान भी बदलता था। ये काम उसके गुर्गे करते थे। ठिकाना बदलने के लिए ही उसने कई शहरों में मकान खरीदे और बेचे। हालांकि ये भी सच है कि उसकी ज़्यादातर संपत्तियां खुद उसके नाम पर नहीं हैं। इस समय पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है। उसके 3 साथी मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन विकास दुबे अभी भी
पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो ये थी विकास दुबे की पूरी जन्म कुंडली, या फिर विकास दुबे कैसे इतना दुर्दांत अपराधी बन गया कि उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस आज विकास दुबे के पीछे है, लेकिन विकास दुबे अभी भी पुलिस की नजरों से ओझल है। पुलिस उसके मकान और तमाम जायदाद खोजकर तोड़ रही है, लेकिन विकास दुबे फरार है। आखिर कब पकड़ा जाएगा कानपुर का ये जल्लाद विकास दुबे? ये एक बड़ा सवाल है पूरी उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस के लिए।